फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल मल्टी बैगर वर्ल्ड। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने 5 पैसा ट्रेडिंग एप्लीकेशन में ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर किस तरह से प्लेस कर सकते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर में आपको यहां पर स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही मिल जाते हैं, जो आपको साथ में लगा कर ही चलना पड़ते हैं। बट कवर ऑर्डर में आपको सिर्फ स्टॉप लॉस ही लगाने को मिलता है, टारगेट लगाने को नहीं मिलता है। तो वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से आप उसमें भी टारगेट लगा सकते हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहले एक स्टॉक सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पर गेल के स्टॉक को सिलेक्ट कर लेते हैं बाय की पोजीशन के लिए। तो यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल ऑर्डर लगाना पड़ता है, बट हमको यहाँ पर एडवांस लगाना है। तो एडवांस में गए हम, और एडवांस में जाने के बाद यहाँ पर आपको इंट्राडे सिलेक्ट करना है। अगर इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे हैं तो ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर वहीं यूज़ कर पाओगे। और यहाँ पर अब आपको ब्रैकेट ऑर्डर को सिलेक्ट करना है, तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट ऑर्डर को सिलेक्ट कर लिया है। क्वांटिटी हम एक लेने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ पर आपको प्राइस फिल करना होगा, जो भी आपके प्राइस चल रहा है उसको आप फिल कर दीजिए यहाँ पर। और अगर प्राइस फिल नहीं करेंगे और बिना फिल किए ही आप यहाँ पर ट्रेड लगाएंगे अपनी, तो जो भी मार्केट प्राइस होगा तो वहाँ से ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्राइस फिल कर लेते हैं, जो भी प्राइस चल रहा है यहाँ पर हमने उसको फिल कर दिया है। तो यहाँ पर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस डालना होगा, यानी कि अगर स्टॉक हमारे लॉस में जाता है तो किस प्राइस पर हमारा लेवल जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए, ताकि हमारा जो लॉस है वो ज़्यादा बड़ा ना हो पाए। तो ये लगाकर ही ट्रेड करें, तभी आप इंट्राडे के अंदर ज़्यादा टाइम तक टिक पाएंगे। तो यहाँ पर जो प्राइस बढ़ रहा है, तो हमने भी अपना थोड़ा सा प्राइस बढ़ा लिया है। ट्रिगर प्राइस में हम यहाँ पर थोड़े से नीचे का प्राइस डाल लेते हैं, करीब 97 का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। और स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस हमने यहाँ पर फिल कर लिया है। ट्रेडिंग के लिए आप यहाँ पर एक पॉइंट का लगा लें, या फिर यहाँ पर आप 20 पैसे का ट्रेलिंग लगा लें। यहाँ पर ज़्यादातर 1 रुपये का ही लगाना पड़ता है, बट यहाँ पर आप देख लें जो भी लग जाए। और यहाँ पर आपको टारगेट लगाना है, साथ ही साथ आपको टारगेट भी लगाना है। तो हम यहाँ पर 99 रुपीज़ का टारगेट लगा लेते हैं, और यहाँ पर हम बाय करके देखते हैं। अगर कोई भी मिस्टेक आएगी तो यहाँ पर नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा आपको, बट अभी यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आपकी सारी पोजीशंस यहाँ पर लग चुकी हैं, और हमको यहाँ पर प्लेस ऑर्डर करना है। तो प्लेस ऑर्डर करने पर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा बड़ा लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा स्टॉप लॉस, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, इसको थोड़ा सा हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने बढ़ाने के बाद फिर से लगा दिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नोटिफिकेशन आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन मैंने आपको अभी लाकर दिखाया था। और यहाँ पर उनके मुताबिक हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो 0.5 कर दिया, यानी कि 50 पैसे का लगा दिया। तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर है वो लग चुका है। तो हम यहाँ पर अपने ऑर्डर में जाकर देख लेते हैं, तो हमारा ऑर्डर जो है वो गेल का इंट्राडे के अंदर लग चुका है। हमारा टारगेट का भी मैसेज दिखाई दे रहा होगा नीचे, और स्टॉप लॉस का भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा टारगेट ऊपर की तरफ 99 वाला लगा हुआ है, और यहाँ पर 97 का हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो टारगेट स्टॉप लॉस दोनों ही लग चुके हैं ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर। और यहीं हम करके देखते हैं, तो यहाँ पर हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जो भी आप मॉडिफाई करना चाहें। अगर कोई भी प्राइस में आप हेर फेर करना चाहें, स्टॉप लॉस के अंदर ही कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बट अभी हमको इसको मॉडिफाई नहीं करना है। और यहाँ पर हम